कुशीनगर जिले में महिला सुरक्षा सशक्तिकरण कार्यालय 181 महिला हेल्पलाइन की कर्मचारी महिलाएं भुखमरी के मुहाने पर आ बैठी हैं। महिला कर्मचारियों को 12 माह से कोई वेतन नहीं मिला है, जिसके लिए वह धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। महिला कर्मचारी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। एक साल में आप कितने केसेस देखे अब तक? तो हम लोगों ने 530 केसेस देखे थे, जिसमें हमने जो सा 500 से लेके बाल विवाह, रेस्क्यू, छेड़छाड़, पॉक्सो वगैरह महिलाओं से संबंधित थे। क्या आप लोग यहाँ मंथली सैलरी मिल जाता है क्या? सर की स्टार्टिंग में 2 साल तो बहुत अच्छा था, समय से सैलरी भी आ जाती थी। हमारे रेस्क्यू और फिर घटनास्थल पर तत्काल पहुँचकर तत्काल रिस्पॉन्स दे रहे थे, बड़ा अच्छा करते थे। अपने हिसाब से पूरी कोशिश करते थे कि किसी भी महिला को कोई कष्ट न हो। एक कॉल आती थी और हम तुरंत उसके घर पहुंच के उसके दूध सेवा प्रदान करते थे। लेकिन पिछले जून 2019 से हमारा वेतन भी रोक दिया गया है और रेस्क्यू वैन भी हमारे ले ली गई, डीजल के अभाव में वो भी बंद कर दिए। तब से अब तक 12 महीने हो गए हमारा सैलरी नहीं। इस संबंध में आप कुछ अधिकारी को अपने यहाँ बताया? जी बिल्कुल, हमने जिला प्रशासन अधिकारी को